भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। अबे यार, आज आसमान में चांद क्यों नहीं दिख रहा? हाथ में दिया लेके ढूंढो तो भी नहीं मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़गा है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढ है? ओ अच्छा, तो चांद यहाँ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर, मॉडल, डांसर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अपनी मेहनत की दम पर आज यहाँ तक पहुँची हैं। कॉमेडी हर किसी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम बात कर रहे हैं वर्षा सोलंकी के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट। अगर आपके पास चांस हुआ भगवान से कोई चीज मांगने का, तीन चीज, तो आप क्या मांगोगे? मैं तीन नहीं, चार चीज मांगूंगा। अच्छा ठीक है, क्या? एक तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और गोरा हो जाऊं। लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा? फिर लड़की मेरे बारे में सोचे। वर्षा का फुल नेम वर्षा सोलंकी है और निक नेम वर्षा है। वर्षा की शादी भी हो चुकी, उनकी एक बच्ची है, की बेटी का नाम पिंकी है। सर उनकी वीडियो में नजर आती रहती है। वर्षा को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक, उन्हें कभी अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। आजकल सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा, महिला क्रिएटर अपनी बॉडी पार्ट दिखाकर फेमस हो रही हैं। वर्षा सोलंकी एक ऐसी क्रिएटर बनकर उभरी हैं, जिनकी उनकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि टैलेंट के लिए जानी जाती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इनके पति को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम बता दें कि इनके पति से इनका तलाक हो गया। तो आप लोगों को वर्षा सोलंकी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। अगर आपका पेट बाहर निकला है दोस्तों, तो चिंता मत करो, उसे बाहर निकलने दो। सबका मन करता है बाहर घूमने का। हाँ, अगर आपके पास चांस हुआ भगवान से कोई चीज मांगने का, तीन चीज, तो आप क्या मांगोगे? मैं तीन नहीं, चार चीज मांगूंगा। अच्छा ठीक है, क्या? एक तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और गोरा हो जाऊं। लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा? फिर लड़की मेरे बारे में सोचे।